सनी देओल के बेटे करण देओल की मैरिज बहुत ही प्राइवेट अफेयर में हुई और बड़े बड़े स्टार्स को नहीं बुलाया गया। हालांकि ताजलैंड में जो रिसेप्शन होगा वहां सलमान से लेकर बड़े बड़े सितारे आएंगे, लेकिन करण देओल की मैरिज जिन दृश्य आचार्य से हुई है उसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, जबकि उनके परिवार के बड़े बड़े लोग मूवी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, जैसे कि वो विमल रॉय की परपोती हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्ट हैं जो आप दृश्य आचार्य के बारे में नहीं जानते, और देओल परिवार की बहू बनने से पहले वो क्या करती थी, आइए जानते हैं दृश्य आचार्य के कुछ टॉप 10 सीक्रेट्स। जैसा कि हमने बताया कि पहले तो वो बॉलीवुड के बहुत बड़े फिल्म मेकर विमल रॉय की परपोती हैं, जो कि बहुत बड़े एक्टर के साथ काम कर चुके हैं। एक्चुअली विमल रॉय की बेटी रिंकी भट्टाचार्य की पोती हैं, जिनकी शादी बासु भट्टाचार्य से हुई थी। दृश्य रिंकी भट्टाचार्य की बेटी चिनू आचार्य की बेटी हैं। दिशा की स्कूलिंग दुबई से हुई है, उन्होंने दुबई के जुमराह कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, वहीं हायर एजुकेशन कनाडा के टोरंटो में स्थित वॉक यूनिवर्सिटी से पूरी की है। विदेश से हायर एजुकेशन पूरी करने के बाद वो मुंबई की एक कंपनी में नेशनल प्रोग्राम मैनेजर के तौर पर जॉब करती हैं, यानी सेल्फ डिपेंडेंट हैं, खुद स्टेब्लिश हो चुकी हैं और फिल्मों में काम करने से गुरेज करती हैं। जब धर्मेंद्र से पूछा गया करण दिशा के बारे में आपको कैसे मालूम पड़ा, तब धर्मेंद्र ने बताया कि करण ने सबसे पहले अपनी माँ पूजा को दिशा के बारे में बताया था, इसके बाद फिर ये बात सनी को मालूम पड़ी और फिर धर्मेंद्र के पास आई। सनी देओल ने धर्मेंद्र के सामने करण दिशा के रिश्ते की बात रखी। हिमैन भी पोते की खुशी से बहुत खुश हो गए थे और दोनों की शादी के लिए तुरंत हामी भर दी। परिवार की रजामंदी और आशीर्वाद के बाद करण दिशा की 18 जून को शादी के बंधन में बनने वाली बात कंफर्म हुई। हालांकि दोनों 18 फरवरी को गुपचुप सगाई कर चुके थे, इसके बाद मामला पब्लिक किया गया। कुल मिलाकर देओल परिवार में जितनी भी बहुएं आती हैं वो सारी की सारी नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हैं, लेकिन दृश्य आचार्य पहली होंगी जिनके परिवार में इतने बड़े फिल्म मेकर रहे हैं और धर्मेंद्र को विमल रॉय के साथ काम करने का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ऐसे में करण दृश्य की फैमिली दोनों की लीगेसी को कनेक्ट करती हैं और फिल्मी बैकग्राउंड होने के बावजूद दृश्य को फिल्मों से कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो कि देओल परिवार के लिए बड़ी यूएसपी है। तो ये थी करण दृश्य की लव स्टोरी, कुछ अननोन फैक्ट। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे।